Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you are watching narration topic and in the narration we are taking today optative sentences. तो आज हम जिन sentences की बात करने वाले हैं वो है optative sentences और इनको किस प्रकार से convert किया जा सकता है, कैसे हम इनको convert करेंगे ये देखने वाले हैं। तो आइए start करते हैं हमारा topic narration और इसमें हम देख रहे हैं optative sentences। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या दी गई है इसमें वो देख लेते हैं कि दीज सेंटेंसेस शो ब्लेसिंग विशिंग कजिंग। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें ब्लेसिंग को शो किया जाता है आशीर्वाद, विशिंग का मतलब शुभकामना और कजिंग का मतलब क्या है, कजिंग का मतलब है अभिशाप देना, श्राप देना, ये भी इसके अंदर दर्शाया जाता है। मतलब ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि किसी को आशीर्वाद देने के लिए या शुभकामना देने के लिए अभिशाप देने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद मी हैप्पी गुड एटसेट्रा, और ये जो सेंटेंसेस है ये स्टार्ट होते हैं किससे, स्टार्ट होते हैं मी हैप्पी गुड, इनसे ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसमें आरवी पार्ट की बात करूँ कि आरवी पार्ट में किस प्रकार से चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि सेट या सेट टू दोनों किस में चेंज होते हैं। अब उस सेंटेंस की फीलिंग के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, या तो सेट टू किस में चेंज होगा, बेस्ट में, या फिर ब्लेस्ड में, या फिर कर्ल्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस में अगर शुभकामना दी गई है, विश किया गया, तो सेट टू विश में हो जाएगा, सेट या सेट टू। अगर वो ब्लेस है, आशीर्वाद वाली भावना है, तो ब्लेस्ड हो जाएगा, और अभिशाप वाली या बुरी कामना है तो वो कर्ल्स में चेंज हो जाएगा। Is that okay? Next thing, conjunction. That conjunction कौन सा आएगा? That conjunction use किया जाएगा that. If the sentence start with me, कब अगर sentence start होता है, किसे start होता है? May से। अगर sentence may से start है, तो हम जो है वो that का use करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे condition दे दी है। क्या condition? That conjunction use होगा। It's okay. लेकिन कब? जब sentence मे से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, मे। अगर मे से स्टार्ट है तो ही हमको कंजक्शन दैट का यूज करना है, नहीं तो हम कंजक्शन दैट यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये बात हो गई। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माय ग्रैंडफादर सेड टू मी, किसने कहा, मेरे ग्रैंडफादर ने, किससे कहा, मुझसे, दादाजी ने कहा मुझसे, क्या कहा मुझसे दादाजी ने, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दादाजी ने कहा, मतलब तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम लंबी उम्र तक जियो, ये उन्होंने कहा और दादाजी ने कहा है। अब दादाजी ने मेरे को क्या कहा है, मे यू लिव लॉन्ग, तो आप मुझे बताओ क्या ये मैसेज शुरू है और एक्सक्लेमेटरी साइन भी खत्म, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो ये दादाजी मुझको शुभकामना दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं या अभिशाप दे रहे हैं, सेंटेंस को देखते हैं तो वो मुझे लंबी उम्र होने की, दीर्घायु होने की क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड के अंदर, क्योंकि इस सेंटेंस में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि दादाजी तो बड़े हैं उम्र और वो आशीर्वाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माय ग्रैंडफादर। ओके, सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड मी, और कनेक्टिव दैट आएगा, क्या आएगा, दैट क्यों है, क्योंकि ये मे से स्टार्ट है, अगर ये मे से स्टार्ट नहीं होता तो कोई कंजक्शन नहीं आता। ध्यान रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में तभी आएगा जब मे से स्टार्ट है। और एक और बात, मे से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, मे से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क, तो वो सेंटेंस 100% ऑप्टेटिव होता है। ये बात है, मे से स्टार्ट हो और लास्ट में क्या ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, तो वो सेंटेंस 100% ऑप्टेटिव होता है, ठीक है। अब आपको पता है हम जब इसको सेंटेंस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले ये असरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, और असरेटिव फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, आर एस पार्ट में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है यू, यू ही तो जिएगा लंबी उम्र, तो इसमें यू सब्जेक्ट है, और ये जो यू है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा सेंटेंस के। ध्यान रखना, जब किसी भी सेंटेंस को असरेटिव बनाना हो तो उसका सब्जेक्ट आगे होना चाहिए, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट आगे लेके आ जाएंगे, तो ये हम मैं यहाँ पे लेके आ गया आगे और ग्यारह संख्या। अब हमारा सेंटेंस हो गया यू मे लिव लॉन्ग, ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, मे से स्टार्ट है ना, तो ध्यान रखना क्वेश्चनिंग, जिस प्रकार से क्वेश्चनिंग सेंटेंस कैसे, उसी प्रकार से ये सेंटेंस होंगे,
जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू मैं लिव लॉन्ग। अब आपको पता है यू जो होता है वो सेकंड होता है और बाकी है भी नहीं इसमें, इधर कहने वाला फर्स्ट और सुनने वाला सेकंड, और जो यू है सेकंड है, किससे चेंज होगा, सेकंड से चेंज होगा। तो यू जब सेकंड से चेंज होगा तो बताइए मुझे क्या आएगा। तो चेंज करके देख लेते हैं, यू योवर यू चेंज किसमें हो रहा है भाई, ये मी में हो रहा है, मी की फैमिली आई माय मी, कौन सा वाला यू है, फर्स्ट वाला ही सब्जेक्टिव यू है, तो किसमें चेंज हो गया आई में, तो यहाँ पर गया आई। अब क्या गया मी, मे किसमें चेंज हो जाता है माइट में, तो गया आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, एंड अगली लेडी सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, कि एक जो अगली लेडी एक जो भद्दी औरत है उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू गो टू हेल, हेल यानी नर्क, कि तुम नर्क में जाओ। अब आप सोचो नर्क में जाओ ये बात कही है, तो ये शुभकामना है बुरी कामना है या आशीर्वाद है, ये बुरी कामना है, ये अभिशाप है, ये श्राप है, ठीक है। और ये किसने कहा, एक अगली लेडी ने कहा, किससे कहा, उससे कहा, मुझसे नहीं कहा, उससे, क्या कहा है, मे यू गो टू हेल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एन अगली लेडी, एंड अगली लेडी, ठीक है, सेट टू जो है वो कर्स्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अभिशाप दिया गया, कर्स्ड हिम। कनेक्टिव क्या जाएगा, दैट, क्यों आया कनेक्टिव दैट, क्योंकि मे से स्टार्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, तो ये आगे आ गया यहाँ पे, और यहाँ से यू अट गया, हमारा सेंटेंस हो गया यू मे गो टू हेल, और यू जो है वो सेकंड है, आपको पता है इधर ये फर्स्ट और ये सेकंड, यू जो चेंज होगा किससे होगा, सेकंड से हिम से, तो ये फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट ले लेंगे, तो इसका फर्स्ट क्या है ही, उसके बाद में मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा, ही माइट गो टू हेल, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे कुछ और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बाकी जो बचे हुए जो सेंटेंसेज जो मे से स्टार्ट नहीं होते, जो हैप्पी या गुड से स्टार्ट होते हैं, उनको किस प्रकार से चेंज करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यस डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस दूं से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा आर एस वाला पार्ट, ये आर एस वाला पार्ट, अगर आर एस वाले पार्ट की स्टार्टिंग अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड डे इस प्रकार से हो रही है, वापस बोलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड डे गुड आफ्टरनून इस प्रकार से हो रही है, तो जो सेड या सेड टू है वो विस्ट में बदलेगा। कब बदलेगा, जब सेंटेंस आर एस का सेंटेंस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड डे इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम विस्ट में बदलेंगे, इज दैट ओके। अब सेकेंड चीज देखिए, अगर गुड बाय लिखा हुआ है, गुड नाइट लिखा हुआ है, गुड आ रहा है लेकिन गुड के साथ में मॉर्निंग या इवनिंग नहीं है, बाय या नाइट लिखा हुआ है, या तो गुड बाय लिखा हुआ है गुड नाइट, तो उस समय सेड या सेड टू बी ए डी ई बेड में बदल जाएगा, ध्यान रखना बी ए डी ई बेड में बदलेगा, कब, जब गुड बाय या गुड नाइट दिया हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी बर्थडे इस प्रकार से सेंटेंस लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, हैप्पी होली हैप्पी दिवाली ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेड या सेट टू है वो किसमें बदल जाएगा, विस्ट में बदलेगा, इसमें से हटेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेड या सेट टू क्या हो जाएगा, विस्ट में हो जाएगा। लेकिन आपका सेंटेंस थैंक यू लिखा हुआ है या कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है या वेलकम यू लिखा हुआ है तो ध्यान देना, अगर थैंक यू लिखा हुआ है तो आर एस पार्ट में से थैंक यू कम्प्लीटली हट जाएगा और सेड या सेट टू की जगह थैंक आ जाएगा, दोनों हटेंगे, थैंक और यू दोनों हट जाएंगे और सेड और सेट टू की जगह क्या जाएगा, थैंक आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन रिमूव हो जाएगा हट जाएगा और कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखा हुआ जाएगा। वेलकम यू लिखा हुआ है तो वेलकम और यू दोनों ही हटेंगे, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है वो दोनों ही हटेंगे अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, और वेलकम हटकर क्या हो जाएगा, सेड या सेड टू वेलकम हो जाएगा। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे लिखा है रिमूव, तो ये अगर थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम ये तीन अगर आपको वर्ड दिखाई देते हैं फ्रेज दिखाई देते हैं जिनसे ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उनको हटा देना है, और अगर थैंक यू है तो थैंक कर देना है सेड या सेड टू की जगह, कॉन्ग्रेचुलेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा, वेलकम यू लिखा है तो वेलकम हो जाएगा। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, हम इस एग्जांपल ये हमारे पास में जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनके थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने है वो कहा, किसे कहा, टीचर्स, टीचर से कहा, क्या कहा टीचर से, गुड मॉर्निंग, क्या कहा, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग कहा गया तो विश है शुभकामना दी गई, जैसा कि मैंने की बताया गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड डे इस प्रकार से लिखा हुआ है तो सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा, विश में, तो आपका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स विश, स्टूडेंट ने क्या किया है, विश किया है, किसको, द टीचर,
द स्टूडेंट विद द टीचर. अब यहाँ पे कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि ये मैसेज स्टार्ट नहीं है, तो सीधा का सीधा जाएगा गुड मॉर्निंग. ये ध्यान रखना इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं लगेगा. गुड, हैप्पी, मैरी, इस प्रकार के सेंटेंस से स्टार्ट होता है. अब यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी गुड नाइट, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? गुड नाइट. मैंने अभी बताया आपको गुड बाय या गुड नाइट लिखा हुआ है, तो ये वैसे भी पार्टिंग वर्ड है, और पार्टिंग जो वर्ड होते हैं विदाई के समय जो कहने वाले शब्द होते हैं वो गुड नाइट या गुड बाय होते हैं. और इसके लिए विश नहीं आता है, बैड आता है, जो कि मैंने लिखा बैड का मतलब बुरा नहीं है, बी ए डी ई बैड का मतलब कहा. तो ही बैड, बी ए डी ई बैड, मी ही बैड मी, ऐसे कैसे आ जाएगा? कोई कंजक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये मैसेज स्टार्ट नहीं, ही बैड मी गुड नाइट, ही बैड मी गुड नाइट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखे. राहुल सेड टू मी थैंक यू वेरी मच, किससे स्टार्ट है? थैंक यू से. तो आपको पता है जो थैंक यू होता है वो पूरा का पूरा हट जाता है और सेड टू की जगह थैंक हो जाता है. तो राहुल, राहुल थैंक, राहुल थैंक मी, कनेक्टिव लगेगा ही नहीं, थैंक आ गया, थैंक यू हट गया, बचा क्या? वेरी मच, जो यहाँ पे लिख देंगे वेरी मच. थैंक यू, अगर सिर्फ थैंक यू लिखा हुआ तो पूरा हट जाएगा, सिर्फ थैंक हो जाएगा, और थैंक यू के बाद में जो भी बचा हुआ है वो बाद में लिखने में आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा राहुल थैंक मी वेरी मच. सी सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस. आप देखिए क्या कॉन्ग्रेचुलेशन से स्टार्ट होता है, आपको पता है कॉन्ग्रेचुलेशन हट जाएगा और यहाँ पर जाएगा सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड. ठीक है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, सेड टू की जगह कॉन्ग्रेचुलेटेड आ गया. ठीक है, और कंजक्शन कोई आएगा नहीं, हट चुका है. अब क्या बचा? ओन, तो ओन आ गया. ओन योवर चेंज होगा, योवर क्या है? सेकंड. यहाँ पे सी फर्स्ट है, मी सेकंड है, तो ये सेकंड से चेंज होगा, तो यू योवर, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे? सेकंड वाला आई माय, तो यहाँ पे लिखा माय ग्रैंड सक्सेस, कोई चेंज नहीं होगा. ध्यान रखना पर्सन हमेशा चेंज करना होता है, वो किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अगर आर एस में आ रहा है, सेकंड पर्सन आर एस में आ रहा है, तो वो हमेशा चेंज होगा, इसको आप भूले नहीं. ओके, तो हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं और हमने नरेशन वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है. और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.